भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने फेस्टिवल के मौके पर हमले की आशंका जताई है। इस संभावित खतरे के मद्देनजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा जांच के बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर मॉल ड्रिल किया गया है और तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने इलाके में खास ध्यान रखने को कहा गया है। वहीं हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई है। सुरक्षा बलों ने इन जगहों की जांच पड़ताल तेज कर दी है। वहीं सुरक्षा सिस्टम को अधिक सक्षम बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि हमें भीड़भाड़ इलाकों और धार्मिक स्थलों पर मॉल ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। सभी DCP को अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वहीं क्राइम ब्रांच, ATC, एंटी टेररिस्ट सेल और स्थानीय पुलिस एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी हुई है। इसके साथ ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां भी शहर की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वहीं सुरक्षा अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। त्योहारों के समय सार्वजनिक जुटाव अधिक होता है, ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।